Hello everyone and welcome to PharmaRox YouTube channel. PharmaRox is the YouTube educational channel related to the pharmacy related competitive exams preparations like the GPAT, NIPER, Drug Inspector and Pharmacist exam. We also provide you the study materials and model papers related to our pharmacy related competitive exams like GPAT, NIPER, DIN, Pharmacist. So इससे पहले हमने फार्माकोलॉजी से दो वीडियो बनाए थे जो इम्पोर्टेंट ट्रिक्स वगैरह थी. ओके सो ये वीडियो में भी हमने जो ट्रिक्स वगैरह का जो सेट किया है आपके लिए, आगे के दो वीडियो में फ्रेंड्स को जो ट्रिक्स वगैरह हमने सेट की वो बहुत ही अच्छी लगी. सो हमने ये थर्ड वीडियो आपके लिए बनाया है. दिस इज़ अ पार्ट 3 फॉर फार्माकोलॉजी इम्पोर्टेंट ट्रिक्स. ओके सो आज के वीडियो में हम अलग अलग ट्रिक्स देखेंगे. तो लेट्स चेक अबाउट दिस एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मस्ट लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब अवर चैनल सो आपके जो फ्रेंड्स वगैरह है वो भी इसका बेनिफिट जो है वो ले सके. सो लेट्स स्टार्ट द इन दिस वीडियो. सबसे पहले आप आपकी जो नोटबुक, आपका जो रिकॉर्ड बुक है या फिर आप जिसमें भी नोट डाउन करते हो डायरी वगैरह वो ले सकते हो और स्टार्ट विथ द दिस ट्रिक्स. ओके सो ये जो ट्रिक्स जो है ये फॉर ए एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स. सो दिस ट्रिक इज फॉर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स. सो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के लिए आपको कौन सा शॉर्ट फॉर्म याद रखना है तो वो है डॉक्टर भाईसाब्स न्यू पीसी. डॉक्टर भाईसाब्स न्यू पीसी. सो लेट्स चेक अबाउट द इन द डिस्क्रिप्शन. डी पर से आएगा डीऑक्सी बारबिट्यूरेट्स. ओके डी पर से आएगा डीऑक्सी बारबिट्यूरेट. डॉक्टर का जो डी है उसमें से डीऑक्सी बारबिट्यूरेट. फिर जो दूसरा जो है बी है भाईसाब में तो बी इज ए बारबिट्यूरेट्स. एच इज ए हाइडेंटोइन. ए पर से आएगा एलिपेटिक कार्ब एसिड. आई पर से आएगा इम्यूनो स्टिलबेंस. एस पर से आएगा सक्सेनिमाइड्स. नेक्स्ट देखते हैं बी पर से है बेंजोडाइजेपिन एंड एन जो है वो है न्यूअर ड्रग्स. तो ये जो ट्रिक से आप इजीली याद रख सकते हो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग डॉक्टर भाईसाब्स न्यू पीसी. ओके सो डॉक्टर से स्टार्ट करो डीऑक्सीबारबिट्यूरेट. बी पर से बारबिट्यूरेट्स हाइडेंटोइन एलिफेटिक कार्ब्स इम्यूनोस्टिबेंस सक्सिनेमाइड्स बेंजोडाइजेपिन एंड द न्यूअर ड्रग्स. सो दिस ट्रिक इज फॉर ए डॉक्टर भाईसाब्स न्यू पीसी इज फॉर ए एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स. न्यू के बाद आएगा पीसी डॉक्टर भाईसाब्स न्यू पीसी. तो पी वाली जो ड्रग है वो है फिनाइल ट्राइजेंस एंड सी जो है वो साइक्लिक गाबा एनालॉग्स. सो टोटल आपका पूरा हो जाएगा डॉक्टर भाईसाब्स न्यू पीसी ट्रिक फॉर ए एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स. नेक्स्ट जो हमारी ट्रिक है वो है रिगार्डिंग द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ए टेट्रासाइक्लिन. टेट्रासाइक्लिन्स के जो साइड इफेक्ट्स है उसके लिए जो एक शॉर्ट फॉर्म है वो है कपिल देव. ओके कपिल देव इज अ शॉर्ट फॉर्म और शॉर्ट ट्रिक्स फॉर ए एडवर्स रिएक्शन ऑफ ए टेट्रासाइक्लिन. के पर से आएगा किडनी टॉक्सिसिटी. ए पर से है एंटी एनाबोलिक इफेक्ट. P पर से है फोटोटॉक्सिसिटी. L पर से है लीवर टॉक्सिसिटी एंड D पर से आएगा डायबिटीज इंसिपिडस. ओके सी हो जाएगा आपका कपिल देव. नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं वो है कैप्टोप्रिल साइड इफेक्ट. कैप्टोप्रिल साइड इफेक्ट के लिए भी आपको याद रखना है कैप्टोप्रिल. ओके कैप्टोप्रिल ही आपको याद रखना है. तो लेट्स चेक अबाउट दिस कैप्टोप्रिल साइड इफेक्ट. तो सबसे पहले सी पर से आएगा कफ एंजियो इडिमा. सी पर से आएगा कफ एंजियो इडिमा. इट इज द फर्स्ट वन सी. कैप्टोप्रिल का जो सी रहेगा उस पर से आएगा कफ एंजियो इडिमा. देन नेक्स्ट है एग्रेनुलोसाइटोसिस. कफ एंजियो इडिमा के बाद आएगा एग्रेनुलोसाइटोसिस. सेकंड जो कैप्टोप्रिल का जो सेकंड ए है उससे एग्रेनुलो साइटोसिस. फिर पी. पी पर से आएगा प्रोटीनूरिया. पी पर से आएगा प्रोटीनूरिया. फिर टी.
तो टेस्ट चेंजेस, ओ पर से है ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, पी पर से है प्रेगनेंसी कॉन्ट्राइंडिकेशन, पैंक्रियाटिस, प्रेशर ड्रॉप, ओके, देन आर पर से है रीनल फायरोल, आई पर से आए है इंडोमिथासिन इनहिबिशन एंड एल पर से है ल्यूकोपेनिया और लीवर टॉक्सिसिटी। सो कैप्टोप्रिल के साइड इफेक्ट आप इजीली कैप्टोप्रिल वाले नाम से ही याद रख सकते हो। नेक्स्ट इज अबाउट द लिथियम साइड इफेक्ट्स। तो लिथियम साइड इफेक्ट के लिए आपको याद रखना है LiTH, लिथ, ओके। सो एल पर से आएगा ल्यूकोसाइटोसिस, आई पर से है इंसिपिडस डायबिटीज इंसिपिडस टाइप 2 पॉलीयूरिया, टी पर से है ट्रेमर टेराटोजिनेसिस एंड एच पर से है हाइपोथायरॉयडिज्म, ओके। सो लिथियम के जो ये है साइड इफेक्ट्स, उसके लिए आपको याद रखना है LiTH। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट ट्रिक। नेक्स्ट ट्रिक इज फॉर ए मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड ए MI। सो उसके लिए शॉर्ट फॉर्म है वो है पल्स PULSE। पी पर से आएगा परसिस्ट चेस्ट पेन, यू पर से है अपसेट स्टमक, एल पर से है लाइट हेडनेस, एस पर से है शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ एंड ई पर से है एक्सेसिव स्वीटिंग, ओके। सो PULSE पल्स इज फॉर ए मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, इट्स साइन एंड सिम्टम्स। द नेक्स्ट ट्रिक इज अबाउट द MI, मतलब कि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, उसका जो बेसिक मैनेजमेंट जो आपको करना है, ओके। तो उसके लिए जो आपको शॉर्ट फॉर्म याद रखना है वो है बूमर। बी मतलब कि बेड रेस्ट, ओ पर से है ऑक्सीजन, प्रॉपर ऑक्सीजन जो है वो पेशेंट को मिलना चाहिए, देन ड्रग्स लाइक ए ओपिएट्स, देन प्रॉपर मॉनिटरिंग, एंटीकोएगुलेट एंड रिड्यूस द क्लोट साइज, ये जो है उसके बेसिक मैनेजमेंट फॉर द डिसीज MI, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, ओके। नेक्स्ट जो हमारे ट्रिक है वो है फॉर अ ट्रीटमेंट ऑफ ए हार्ट फेलियर। ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर के लिए आपको याद रखना है ABCDE, ओके। हार्ट फेलियर की जो ट्रीटमेंट करनी हो तो उसके लिए आपको याद रखना है ABCDE। ए पर से है ACE इनहिबिटर्स, बी पर से है बीटा ब्लॉकर्स, सी पर से है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड डी पर से है डायूरेटिक्स एंड ई जो है वो है एंडोथेलिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। एंडोथेलिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं इन अ ट्रीटमेंट ऑफ ए हार्ट फेलियर, ABCDEF। सो ये जो ट्रिक से आप इजीली जो हार्ट फेलियर के जो ट्रीटमेंट है वो इजीली याद रख सकते हो। अब जो हमारे नेक्स्ट ट्रिक है वो है अबाउट द एमिनो एसिड्स, ओके। सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स जो है वो पूछे जाते हैं, ओके। सो जो एसेंशियल एमिनो एसिड याद रखने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है वो है माई ट्रू लव इज थ्रू वैलेंटाइन लव फ्रेजिस। My true love is through Valentine love phrases, okay? So ये ट्रिक से आप इजीली एमिनो एसिड्स जो है वो याद रख सकते हो एसेंशियल वाले। तो फर्स्ट वन है माई ट्रू लव, ओके। सो माई ट्रू लव जो है उसका जो M है, ओके, इट इज़ ए मिथियोनिन। देन सेकंड जो T है वो है थ्रियोनिन, जो लव का L है उस पर से ल्यूसिन, इस जो है उसका I आइसोल्यूसिन, फिर थ्रू तो इट इज ए ट्रिप्टोफैन, वैलेंटाइन उस पर से आ जाएगा वेलाइन, ओके। स्पेलिंग में भी है VALINE, तो वहाँ भी VALEN तो आता ही है, ओके। तो वैलेंटाइन से वेलिन, देन फिर से जो लव आता है उससे लाइसिन, और लास्ट का जो फ्रेजिस जो है उससे फिनाइल एलेनाइन। सो My true love is through Valentine love phrases. तो ये जो ट्रिक से आप उससे essential amino acid का classification याद रख सकते हो। ये आपको clear हो गया है, तो बाकी के जो remaining amino acids समझो कि पूछे गए हो तो वो आप select कर सकते हो as a non-essential.
ओके सो ये थी पार्ट थ्री वीडियो रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी इम्पोर्टेंट ट्रिक्स. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मस्ट लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब अवर चैनल. गुड लक फ्रेंड्स.